Good morning, students. Now, I hope you have done up to the portion we have done in AC, means we have discussed AC generator, right? And our discussion in the AC generator, I have found out that E is equal to E naught sine omega t. That will be our basic equation. I have told you before also regarding this. Then I was telling you that in the last class I have already told you that AC has this type of the form. It is given by the sine function. In our syllabus we will be always be using the sine function to represent the AC. Obviously it is fluctuating, it is varying at every instant of time. If I draw a graph of I versus t, the nature of the graph will be like this as shown in the figure. Alright? This is why definitely it is a big thing how to calculate the value of AC. Let us now we have to now see that how to calculate AC. Suppose if I am asked that what is the value of AC, obviously it is varying at every instant, so it becomes a problem. So there are two different ways. Number one, we can find out the mean or average value of AC. Look, this is the current AC and this is the time. It is varying like this. Unlike DC, it is continuously varying in the positive half cycle, negative half cycle. Half cycle, 0 to T by 2, this is one time period. In one time period, I have told you that one cycle is obtained due to one complete rotation of the armature or the coil. So, I can write here, let the instantaneous current is given by I is equal to I naught sine omega t. Then, if I consider, assuming the current to be constant for a small time dt, chote sa time dt ke liye agar hum maan le ki current constant hai. Obviously, chota sa time dt ke liye to current ko mana hi ja sakta hai constant hai. Instant jitna, duration jitna badhata jayega, utna current ka variation badhata jayega. लेकिन स्मॉल इंस्टेंट के लिए, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए मैं मान सकता हूं कि करंट जो है वो कांस्टेंट है. तो उस केस में डीटी टाइम में चार्ज कितना फ्लो करेगा. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द करंट, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी. सो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. देन व्हाट इज द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल. लेट अस नाउ सी इन वन कंप्लीट साइकिल. देखो ये वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज फ्लो करेगा. क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, देखो समझ लो, डी क्यू की जगह पर आई नॉट इज द पिक वैल्यू, साइन ओमेगा टी डी टी. लिमिट कहां से कहां जाएगा, इंटीग्रेशन टी पर होगा बिकॉज टी इज द वेरिएबल. टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इज इक्वल टू कैपिटल टी तक जाएगा. अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, क्यू इज इक्वल टू आई नॉट बाहर आ जाएगा. हियर साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा. ठीक है, इसे इंटीग्रेटेड वैल्यू होता है साइन ओमेगा टी का होता है. आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा. सही है ना, आई कैन राइट इट एज लाइक दिस. आई कैन राइट इट आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी. टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इज इक्वल टू कैपिटल टी. ऐसे मैं लिखता हूं, I can write it like this. और इसका इंटीग्रेटेड वैल्यू क्या होगा, इसका इंटीग्रेटेड वैल्यू इतने के बराबर होगा और ये t is equal to 0 से लेकर के t is equal to t by it is capital T, sorry, t is equal to capital T. इसके जैसा, यानी I naught omega बाहर आ जाएगा. Here it will be cos omega t और लिमिट बदल जाएगा t इज इक्वल टू कैपिटल t टू t इज इक्वल टू जीरो. देखो t इज इक्वल टू कैपिटल t टू t इज इक्वल टू जीरो, माइनस साइन हट गया तो ओमेगा, इसमें नेगेटिव साइन हट गया तो वी आर गेटिंग दिस. देन हाउ मच वी शैल गेट, यू नो आई नॉट बाई ओमेगा. यहां क्या लिखा है कॉस ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल t इंटू स्मॉल t के जगह जीरो माइनस कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी. एक बार इसको ठीक से स्टडी कर लीजिए. ओमेगा की जगह मैंने 2 पाई बाई टी लिख दिया,
तो इतने के बराबर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई ओमेगा, हियर आई विल राइट कॉस जीरो माइनस कॉस टू पाई, टी और टी कैंसिल हो गया, इसलिए टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, आई नॉट बाई ओमेगा, आई नॉट बाई ओमेगा इन टू कॉस जीरो इज वन, दिस इज ऑल्सो वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हुआ टोटल चार्ज जितना फ्लो किया। तो अब नाउ नाउ द मीन वैल्यू ऑफ करेंट, नाउ द मीन वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग इन वन कॉम्प्लीट साइकिल। Now, mean value of current flowing in one complete cycle, how much it will be? I should be equal to, obviously, I will, in this case, it will be, I will write here, it is I average, that is Q divided by T, that is equal to zero. Very surprising result. What we are getting, this is sometimes asked in the examination, that prove that the value of AC during one complete cycle is zero. एकदम यह हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। हेंस एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या कंक्लूजन होगा, हेंस एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। सवाल है कि अगर वन कंप्लीट साइकिल में हम इस एसी को लेते हैं और उसका वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज, तब इसको लेने का क्या जरूरत है, अगर ये वैल्यू जीरो ही हो जाता है तो मैं क्या क्या फायदा है इसको लेने का। तो क्या किया गया, करेक्शन किया गया। क्या करेक्शन किया गया, इसमें करेक्शन किया गया, वी डोंट टेक द एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल, बट आई टेक द एवरेज वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल। अंडरस्टूड, नाउ वी विल टेक द एवरेज वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल। अंडरस्टूड, दिस इज वाई There is a correction. तो ये एक पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एवरेज वैल्यू को लाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द वन और हाफ साइकिल। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये देखिए, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। लुक अगेन, टू डू दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन द हाफ साइकिल, ये देखो, फिर तुम ये पोर्शन पूरा लेना, यहां से यहां तक सेम रहेगा, यहां से यहां तक सेम रहेगा, यहां तक में कोई चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, दिस इज रिमेनिंग द सेम, जिसको मैंने एरो दिखाया है, यहां तक सेम रहेगा। यहां से हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन वन हाफ साइकिल, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन वन हाफ साइकिल। ठीक है, तो व्हाट corrections we will make, I just make the correction, right? तो यहां तक तुम कर लोगे, करने के बाद तुम क्या लिखोगे, अब मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। लुक, मैं अब यहां लिखता हूं, I write it in a different way a bit. I write it, total charge flowing in one half cycle of AC. Q is equal to integration of dQ, integration of, क्या हो जाएगा, I naught sine omega t dt, t is equal to 0 से लेकर t is equal to t by 2, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, करेक्शन आ जाएगा। अब तुम देखो, मुझे लगता है सब कुछ यहां पर ठीक है, I naught को मैं बाहर निकाल लेता हूं और इसके अनुसार माइनस cos ओमेगा टी बाई ओमेगा कर देता हूं,
यहां पर तुम्हें मिल जाएगा t इज इक्वल टू जीरो से लेकर के t इज इक्वल टू टी बाई टू। देखो मैं क्या लाता हूं, इसको मैं हटा दिया, तुमने पहले पोर्शन को नोट कर लिया, अब मैं इसको हटा देता हूं। लुक एट दिस, लुक एट दिस, I naught minus cos omega t by omega t is equal to 0 to t is equal to capital T by 2। अब तुम इसको ले आओ, इसका वैल्यू देखो, I naught, अब यहां क्या हो जाएगा, I naught by omega कर दो, cos omega t करो, यहां पर हो जाएगा t is equal to capital T by 2 to t is equal to 0, ठीक है ना। Then how much you are getting, I naught by omega, here you write cos 2 pi by t into 0 minus cos 2 pi by t into t by 2, t by 2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, t और t कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी तुम्हें मिलेगा I naught by omega, यहां पर क्या मिलेगा cos 0 minus cos is it pi That is equal to I naught by, इसकी जगह लिखो 2 pi into t, ठीक है, और यहां पर तुम लिखो 1 minus minus 1, hope it's all right, cos pi is minus 1, that's why, how much you will be getting, cos pi is minus 1, अब तुम्हें क्या मिलेगा, यहां मैं हटा देता हूं, ऐसे लिखता हूं, अब यहां पर मिलेगा, here, you see, Q is equal to I naught into T by 2 pi into 2, 2 or 2 cancel होगा, I naught into T by pi, I naught into T, look, I naught into T by pi, so what will be the total, lastly, what is the, now the, now mean value of current flowing in 1/2 cycle, mean value of current flowing in 1/2 cycle, देख लो निकाल लो कितना हो जाएगा, I average is equal to Q by T by 2 यानी I naught by into T by pi, ओके, into T by 2, तो कितने के बराबर होगा, I average कितने के बराबर हो जाएगा, T और T cancel होगा, 2 I naught by pi, देख, is it 2 I naught by pi, can you see this, I am writing here, I am for your I average is equal to twice I naught by pi, ये वैल्यू आ जाएगा, मुझे कितना मिला, twice I naught by pi, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, look at this, the whole thing, okay, in the next lecture I am repeating it.